शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। आज हम आपके समक्ष सनातन धर्म पर यहाँ इस फिल्म में चर्चा करेंगे। यह इस फिल्म का पहला भाग है और इसमें सनातन धर्म के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म है क्या और ये कब से है और इसका कहाँ तक और कब तक रहना है, कौन सा धर्म है ये और इसमें कौन से धर्म आते हैं वगैरह वगैरह। तो हाँ, सबसे पहले हम चर्चा करें कुछ प्रमुख ग्रंथों की, जैसे श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य और तदात्मानम् सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे भारत, जब जब भी धर्म का क्षय होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष कष्ट में पड़ते हैं और आतताई असुर और दुष्ट लोग उन पर हावी होने का या उन पर साम्राज्य करने का या उन्हें परेशान करने का कार्य करते हैं। ऐसी अवस्था में जब जब भी ऐसा होता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं स्वयं तथा मुझसे संबंधित जितने भी लोग हैं, अनुयायी हैं या मेरे भक्त हैं, ये सब हर युग में हर बार ऐसी अवस्था में प्रकट होते हैं। मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, बार बार आता हूँ और ये सब कार्य करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है, ये श्रीमद् भगवद गीता में पूरी में या जो भगवद गीता अंश है महाभारत का, भीष्म पर्व का, इस पूरे महाभारत ग्रंथ में कहीं भी इस धर्म का नाम नहीं दिया गया है कि किस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान या किस धर्म की बात कर रहे हैं ग्रंथ। इसी तरह श्री रामचरितमानस जो कि 17वीं सदी में लिखी गई है, तो तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई कही है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बिल्कुल इसी श्लोक को उन्होंने भगवान राम से कहलवाया है रामचरितमानस में। इसमें भी पूरी रामचरितमानस में शुरू से आखिरी तक धर्म शब्द तो आया है कई जगह, लेकिन कौन सा धर्म, किस धर्म की बात करते हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। तो जो प्रमुख अवतार हुए हैं जिन्हें माना जाता है, वो भगवान राम का माना जाता है जो कि 12 कलाओं से हुआ था, और फिर उसके बाद संपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है जो कि 16 कलाओं से हुआ था, जिसे 16 कला संपूर्ण कहते हैं। भगवान राम ने जहाँ मर्यादाएं स्थापित की, सारे संसार को संस्कार और मर्यादाओं का ज्ञान कराया, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन मर्यादाओं को तोड़ा, भंग किया और एक नवीन पथ पर चलना सिखाया। इसलिए कहा जाता है सनातन धर्म के ये दो ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं कि अगर मनुष्य को संस्कार पाने, अगर मनुष्य को सभ्यता सीखनी है, समाज में रहना सीखना है, परिवार में रहना सीखना है, तो उसे रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, पढ़ के सीखना चाहिए, सीख के समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो रामचरितमानस से संस्कार आते हैं, जीवन यापन, समाज में सभ्यता से रहने का पूरा लहजा तरीका आता है। तो वही ज्ञान के लिए, कि मनुष्य को अगर ज्ञान पाना है
तो ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो जीवन जीना सीखना है, दुनिया में रहना सीखना है, तो उसके लिए श्रेष्ठ ग्रंथ है संस्कार सीखने, तो वो है रामचरितमानस। भगवान राम के उन्होंने जो आदर्श या मर्यादाएं जो दिखाई रामचरितमानस, इसलिए घर घर में पहले पढ़ी जाती थी, हर घर में पढ़ी जाती थी, हर आदमी पढ़ता था। शादी विवाह में रामचरितमानस के जो गुटके आते हैं वो फ्री में मुफ्त में बांटे जाते थे सबको, और सब लोग उसको पढ़ते थे ताजीवन। तो लोगों में संस्कार थे, एक सभ्यता थी। लोग जो है बसों में महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सीट खाली कर देते थे, आजकल नहीं होता ऐसा। तो वो रामचरितमानस का असर था। और जहाँ ज्ञान की बात आती है, तो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ जो है वो श्रीमद् भगवत गीता के बराबर कोई सा ऐसा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि गीता एक सार है सब ग्रंथों का, सारे वेदों का, सभी उपनिषदों का, और सभी कुल मिलाकर के जितना भी धर्मशास्त्र या ग्रंथ है या आध्यात्मिक ग्रंथ है या विज्ञान है, उस सबका सार संग्रह वो है गीता। तो जितना भी ज्ञान पाना है, विज्ञान पाना है, वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। और जहाँ पर धर्म संसद लगी थी शिकागो में, तो स्वामी विवेकानंद भी जिस ग्रंथ को लेकर के गए थे वो थी श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर और उससे पाए ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने शिकागो में जो प्रवचन दिया था, जहाँ धर्म संसद को स्तब्ध कर दिया था, वहाँ श्रीमद् भगवद गीता को जब सबसे नीचे रख दिया गया और सब ग्रंथों के बिल्कुल, क्योंकि हमारा भारत उस समय गुलाम था तो थोड़ा सा इज्जत नहीं थी भारत की। स्वामी विवेकानंद जब महीना डेढ़ महीना वहाँ पर पार्क के सामने भूखे प्यासे पड़े रहे थे, तो एक महिला को उन पर दया आई थी, तो वो अपने घर ले गई थी। तो उनके पति उसी धर्म संसद के जो आयोजक थे, उस आयोजक के वो थे, तो उनके सहारे उनको प्रवेश मिल गया था। तो बोलने के लिए दिए गए थे केवल मात्र चंद मिनट, लेकिन जब वो बोले तो वहाँ वंस मोर करके, और फिर उनको काफ़ी बुलवाया गया, तो वो एक अलग बात है, अलग कथा है। लेकिन उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ही परम आदर्श माना था, उसी को ही सारे संसार के ज्ञान का स्रोत माना था। तो जब गीता को सबसे नीचे रख दिया गया और बाइबल को सबसे ऊपर रख दिया गया था, तो लोगों ने एक तरह से अपमान किया था। लेकिन वहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने उसे देखकर एक बात कही थी कि मुझे खुशी है आज सारे विश्व ने, सारे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों ने, सारे धर्मों ने ज्ञान का जो मूल है, ये जड़ है, वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता को मान लिया और हमारी गीता जड़ में रखी गई है, इसलिए इसको सही स्थान दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। वास्तव में सच यही है कि यही जड़ है और इसी में से सारे ग्रंथ निकले हैं। तो सारी धर्म संसद उनके इस प्रकार के जो बातें उन्होंने कही तो उससे स्तब्ध हो गई। फिर उनने फिर सुनना ही चाहा, तो वो शून्य पर भी बोले, शून्य के, तो जब शून्य पर ही बोलना शुरू करे, जब उन्होंने कह दिया था लोगों ने कि आपके भारत में दिया गया है शून्य जीरो, तो उन्होंने फिर शून्य पर ही बोल दिया। तो कुल मिलाकर के श्रीमद् भगवद गीता जिसको स्वामी विवेकानंद जी लेके गए थे, और जब वापस आए थे तो कन्याकुमारी में जो विवेकानंद शिला है वहाँ पर उनके हाथ में वो गीता ही है जो उनकी मूर्ति के साथ में दिखाई आती है, श्रीमद् भगवद गीता। तो ज्ञान का एक स्रोत, एक सार। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बढ़िया पुस्तक भी लिखी है, वो है प्राच्य और पाश्चात्य के नाम से है, जिस पर फिल्मी बनी है आगे पूर्व और पश्चिम के नाम से, मनोज कुमार की। तो प्राच्य और पाश्चात्य जो पुस्तक उन्होंने लिखी स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने पूर्व की और पश्चिम की तुलना की है उस पुस्तक के अंदर, और बहुत सी गंभीर बातें कही हैं, बहुत से गंभीर विषयों को उठाया उसके अंदर, और ये साबित कर दिया है पूरी तरह से कि सर्वश्रेष्ठ सिर्फ पूर्व है, यानी हमारा भारत है, बाकी तो सब उसके। तो जो भी है वो तो पढ़ने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि प्राच्य और पाश्चात्य में क्या है,
ये दुर्लभ किताब पहले जो थी दुर्भाग्य से अब उसका कलेवर चेंज कर दिया गया है, मूल पुस्तक कहीं मिले पुरानी वाली, तो आप उसको पढ़िए। आज की पुस्तक में काफ़ी पैरा हटा दिए गए हैं, उसमें से काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद का लगभग सभी साहित्य बदल दिया गया है, तो केवल प्राच्य और पाश्चात्य नहीं, उनकी जो राजयोग है, भक्ति योग है और तमाम पुस्तकें हैं, उनका भी सबका पूरा का पूरा कलेवर बदल दिया गया है। तो पुरानी पुस्तकें मिले जो पहले प्रकाशित की हैं रामकृष्ण आश्रम ने नागपुर, तो वो पुस्तकें आप कोशिश करें उनको पढ़ें, तब आपको सनातन धर्म के मूल का कुछ ज्ञान होगा। अब इसके बाद में जो मूल बात आती है, ये तो श्रीमद् भगवती गीता ज्ञान के बारे में हुई और रामचरितमानस हुई संस्कारों के बारे में, तो इन दोनों पुस्तकों में धर्म की बात की गई है। और जितने भी हमारे 18 पुराण हैं या उपनिषद हैं या चारों वेद हैं, सब में कहीं ना कहीं धर्म का जिक्र अवश्य आया, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि कौन सा धर्म। इस संबंध में हमें श्रीमद् भागवत में और महाभारत में कुछ प्रमाण मिलते हैं। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म की परिभाषा दी हुई है, संसार का केवल एक ही ग्रंथ है जिसमें धर्म की परिभाषा है, उसी में धर्म की अधर्म की भी परिभाषा है। धर्म की परिभाषा तो है ही, अधर्म की परिभाषा भी अगर किसी ग्रंथ में तो वो सिर्फ श्रीमद् भागवत में है। और इसी प्रकार से धर्म के जो 10 दोष होते हैं, यानी धर्मात्मा होने के बाद भी और फिर धर्म में 10 दोष उत्पन्न हो, इसका विवरण भी सिर्फ महाभारत ग्रंथ में है और किसी में नहीं। तो यहाँ पर जो उसमें फिर उल्लेख आता है कि किस धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें एक सनक सनातन और सनंदन, ये जो ऋषियों का जिक्र आता है, वहीं से सनातन धर्म की उत्पत्ति का जिक्र आता है। यानी कि विश्व में जब से सृष्टि आरंभ हुई है, ब्रह्मांड बना है, तब से जो धर्म है, प्रकृति का धर्म, सृष्टि का धर्म, ब्रह्मांड का धर्म, वही सनातन धर्म है। यानी सब चीजों का, सूर्य का धर्म हो, आकाश का धर्म हो, धरती का धर्म हो, या पाताल का धर्म हो, जल का धर्म हो, या हवा का धर्म हो, या क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व, ये जो 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है जो सदा से है, शुरू से सनातन है, जब से ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना हुई तब से, और कब तक रहेगा, जब तक ब्रह्मांड और सृष्टि रहेगी तब तक जो धर्म रहेगा वही सनातन धर्म है, जिसका न आदि है और न अंत है, न शुरुआत है और न अंत है, जो सत्य है और सनातन है वही धर्म जो है सबका धर्म है, पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का, हर चीज का और हर मनुष्य का जो धर्म है वही है सनातन धर्म। और जितना भी ग्रंथ लिखा गया, जितने भी शास्त्र रचे गए, चाहे वेद हो, सबसे प्राचीन जो रचना है वो वेद है, वेदों के बाद में अन्य ग्रंथ जो है बाद में सब आए, तो वहां से लेकर के और आज तक या आगे चल के जब तक सृष्टि और ब्रह्मांड रहेंगे, धरा पर सूर्य और चंद्र रहेंगे, तब तक जो तारे रहेंगे आसमान में, तब तक जो धर्म रहेगा वही है सनातन धर्म। अब इस सनातन धर्म जो कि आदिकालीन है, अब प्राचीन तो नहीं कह सकते, प्राचीन तो छोटी चीज हो जाती है, लेकिन आदिकालीन यानी कि शुरू से, आगे नहीं, बिल्कुल यहां से शुरू हुआ, तो ये जो धर्म रहा है, फिर अब दूसरे धर्मों की बात करें जिनके बारे में आमतौर पर लोग सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, और जिस धर्म की बात करते हैं, मसलन हिंदू, तो हिंदू धर्म कितना पुराना है। हिंदू धर्म में विक्रम संवत गणना में ली जाती, विक्रम संवत कौन सी चल रही इस वक्त, 2077, यानी 2077 साल पुराना है हिंदू धर्म, और मुसलमान वो 1900 या 1100 ऐसी कुछ चल रही है, इतने वर्ष पुराना। ईस्वी सन 2020 चल रहा है, यानी 2020 साल पुराना। तो ये जितने भी धर्म है
सब 2000 साल के आसपास है। 2000 साल जैसे 77 जो ना विक्रमी संवत में, तो मतलब 2100 के आसपास बैठेगा, यानी कुल मिला के 2000 साल के आसपास के फेर में है सभी धर्म। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो उससे पहले हो, और ये संसार उससे पहले था, ये सृष्टि उससे पहले थी, ब्रह्मांड उससे पहले था, ये धरती और सब पहले थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो 5000 साल से ज्यादा हो गई उस समय हुआ था महाभारत का युद्ध। यानी कि महाभारत के समय पर न हिंदू धर्म था, न मुसलमान था, न ईसाई ईसवी सन था, न कोई था। संसार का कोई सा भी सन संबत ऐसा नहीं है पूरे संसार भर में जो कि उस समय लागू था या कि जो कि आदिकालीन है। सब 2000 साल से नीचे हैं। दो सबसे ज्यादा पुराना अगर कोई है तो वो विक्रमी संवत है, तो वो 2077 साल पुराना केवल, उससे पहले नहीं है। यानी महाभारत के समय पे या भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के समय पे या जहां तक द्वापर खत्म होता है, समाप्त होता है, वहां तक कोई भी धर्म नहीं है संसार में, किसी भी धर्म का नामो निशान नहीं है। तो ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2000 साल से आगे कुछ नहीं है, जबकि महाभारत 5000 साल से ज्यादा हो गई तब हुआ था। अब बात करें राम रावण युद्ध की, तो 1,73,00,000 से ऊपर साल हो गई जब राम रावण का युद्ध हुआ था। अगर हम अपने पंचांग और पत्रा को देखें तो उसमें तिथियां दी हुई हैं कि कब कौन सी चीज घटित हुई थी, कब कौन सी चीज। उसके बाद में वंशावली और इतिहास बताते हैं, तो वो सब पहुंचाते हैं जगह पर। तो 1,73,00,000 साल से ज्यादा हो गई राम रावण युद्ध को। तो उस स्थिति में अगर देखें तो फिर बड़े स्वाभाविक सी चीज है, कौन सा धर्म रहा होगा उस वक्त? केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म ही उस वक्त था जब भगवान राम हुए, सनातन धर्म ही उस वक्त था जब भगवान श्री कृष्ण हुए, और सनातन धर्म ही कलयुग को शुरू हुए 5000 साल से ऊपर हो गई है। तो कलयुग के शुरू तक यानी 3000 साल तक सिर्फ सनातन धर्म रहा है, सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं रहा। उसके बाद में अब 2000 साल पहले विक्रमी संवत आया, उस समय भी सनातन धर्म था। ये जो बाद में जो धर्म पैदा हुए हैं वो हुए हैं 2000 साल तो नहीं कह सकते इसको, ये हुए हैं दिल्ली में जब महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का साम्राज्य था, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था। वहां तक कोई धर्म नहीं मिलता, ना हिंदू मिलता, ना मुसलमान, ना कोई, वहां तक कुछ नहीं है। यहां तक कि आगे और चले आते हैं जब यहां पर आक्रमण हुए मुगलों ने किए, तब उन्होंने एक धर्म की परिकल्पना यहां पर दी। वो कबायली लोग थे, कबीलों में रहने वाले थे, उनका एक अलग प्रकार के नियम कायदे कानून और समाज में जीने के अंदाज थे, वो उसको धर्म कहते थे। और वो विशेष धर्म का नाम था मुस्लिम धर्म या मुसलमान बोलते हैं। तो ये जो मुस्लिम धर्म था, मुसलमान था, तो उनको अपने धर्म की या अपनी खुद की पहचान के लिए अपने धर्म को भी एक नाम देना पड़ा, उससे पहले नाम नहीं था उनके धर्म का। तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान, मुस्लिम या मोमडन, इस टाइप से उन नाम दिया। अब जो दूसरा पक्ष है जो यहां पहले से रह रहा था, जो सनातन धर्म तो सभी का था क्योंकि उसी में सब आते हैं, मुसलमान भी आते हैं सनातन धर्म में, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी और वगैरह सब जो भी है, और तो सब बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म में ये सब है। तो उन्होंने फिर दूसरे को नाम देने के लिए क्या कि कहां पे है, सिंधु घाटी के पार। तो सिंधु से उस शाह को हा बोलते थे, सिंधु को हिंदू कहा, और सिंधु घाटी के पार जितने थे वो हिंदू कहलाए, उनने हिंदू नाम दे दिया।
हिंदू नाम दिया, और फिर क्या है कि जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो वहाँ पर दी है उसका बड़ा गलत अर्थ दिया, हिंदू का अर्थ है काला गुलाम, ऐसा दास जो कि जिसकी स्त्रियाँ या पुरुष जो भी हों उनको सेक्स वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उनको कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी काम में लगा करके उनसे दास प्रथा जो थी वो थी। तो ब्लैक मैन एंड ब्लैक वूमेन ऐसे करके एक्सपोर्ट डिक्शनरी में पूरी डेफिनेशन दी हुई है। तो उस तरह से उन्होंने हिंदू शब्द का ये अर्थ बनाया हुआ था, और इसी अर्थ के तहत भारत को गुलाम बनाया था, और जो फिर अंग्रेजों ने उस गुलामी को और ज़्यादा बढ़ाया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, तब उसमें से एक हिंदू धर्म पैदा हुआ था जो कि मुगलों ने पैदा कर दिया था और उसको अंग्रेजों ने बढ़ा दिया, जबकि उससे पहले हिंदू होने का या हिंदू धर्म का यहाँ कोई अस्तित्व या साक्ष्य नहीं प्राप्त होता भारत में, न किसी धर्म के द्वारा, न किसी ग्रंथ के द्वारा, न किसी शास्त्र के द्वारा, और न किसी वंशावली के द्वारा। यह प्रमाणित नहीं है कि इससे पहले कोई हिंदू था, नहीं, इससे पहले कोई भी हिंदू नहीं था, कोई भी मुसलमान नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था, और सनातन धर्म में ये सब थे। तो ये जो पूरी की पूरी बात है ये इतनी महत्वपूर्ण है, जिसको प्रमाण करते हैं हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारी वंशावलियां और हमारा इतिहास। लेकिन बाद में जो अंग्रेजों ने इतिहास रचवाया, अंग्रेजों के गुलाम राजाओं ने जो इतिहास रचवाया, या मुगलों के जो वो रहे, अब तो रिश्तेदारी कहेंगे उनको, तो उन्होंने जो इतिहास रचवाया वो चाटुकारों से रचवाया, जिनको चारण भाट बोलते हैं, पैसा लेकर के उन्होंने लिखे और पैसा लेकर के उन्होंने पढ़े, तो उन्होंने पूरे भारत का इतिहास ही बदल के रख दिया। आज भारत के इतिहास में आपको कितना भी इतिहास पढ़ लें शुरू से आखिरी तक, न भगवान राम मिलेंगे इतिहास में, न भगवान कृष्ण मिलेंगे इतिहास में, न पांडव मिलेंगे इतिहास में, भारत का जितना भी इतिहास होगा 2000 साल के आसपास घूमता रहेगा, उससे पहले भारत के इतिहास का नाम निशान नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो लोग पढ़ के आते हैं घर में या सुन के आते हैं, भगवान राम के बारे में सुन के आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन के आते हैं, लेकिन इतिहास में उसे कहीं नहीं पाते, किसी भी राजा का जिक्र नहीं मिलेगा, अगर कहीं लिखा भी होगा जिसे मिडवाइवल हिस्ट्री बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया जाएगा कि फला युद्ध राजपूतों और मुसलमानों के बीच हुआ या मुगलों के बीच हुआ, लेकिन कौन राजपूत, कहाँ के राजपूत, कौन से राजपूत, ये कहीं जिक्र नहीं होगा। जबकि राजपूतों में ही अगर देखें तो 36 कुली होती हैं, उनके बारे में 4 वंश होते हैं, तो 4 वंश जो हैं सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और ऋषिवंश। इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध दोहा है, वो है 10 रविसों 10 चंद्रसों, 10 रविसों 10 चंद्रसों और 12 ऋषि प्रमाण और 4 हुतासन यज्ञ सों 36 कुरीय ज्ञान, यानी कि 10 वंश हैं जो कि सूर्यवंश में आते हैं और 10 हैं जो कि चंद्रवंश में आते हैं और 12 ऋषि वंश में आते हैं और 4 आते हैं अग्निवंश में, तो इन सबको मिला के बनते हैं 36। तो ये 36 कुल जो हैं, ये 36 कुली या 36 कुली कही जाती है, इसमें जो आते हैं वो सब क्षत्रिय और राजपूत माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से सबका पूरे का एक अलग वो है दृष्टिकोण है, अलग हिसाब किताब है, और इसमें आगे हम जो चर्चा करेंगे इससे आगे वो हम अगली फिल्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।